नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनेंगे। विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस का फैसला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को दिल्ली में दिनभर चली कांग्रेस की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंहदेव को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, तैयार हम, महाराजा साहब को बधाई। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नाराज खेमे को खुश करने की कोशिश है। टीएस सिंहदेव ने मीडिया से कहा है कि आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। सरगुजा से निकलकर छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबको साथ लेकर बेहतर तालमेल के साथ पूरी मजबूती से काम करेंगे। पार्टी से जो भी जवाबदारी मिलेगी उसे निभाते रहेंगे। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ऐसा दावा किया जाता है कि सरकार गठन के वक्त ये तय हुआ था कि पहले 2.5 साल बघेल और फिर 2.5 साल सिंहदेव सीएम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे नाराज सिंहदेव ने 16 अगस्त 2022 को पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय छोड़ दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पन्नों का लंबा पत्र लिखकर मंत्रालय छोड़ा था। मंत्रालय छोड़ने का कारण उन्होंने इसका प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास नहीं मिलना और जनघोषणा पत्र में किए गए वादों का पूरा नहीं होना बताया था। हालांकि वे स्वास्थ्य और वाणिज्य का मंत्री बने रहे।